सवार अगर अच्छा है तो वो घोड़ा ठीक चलता है, अगर सवार नौसिखिया है तो उसी तरह से होता है जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान के साथ हुआ। MIM और भाजपा, ये दोनों वो दल हैं जो कि धर्म की राजनीति करते हैं। आज भी हालात ऐसे हैं जहाँ स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, नर्सों की कमी है, कंपाउंडर्स की कमी है, एक पर भी कार्रवाई माननीय चुनाव आयोग ने नहीं की, जबकि सप्रमाण। एग्जिट पोल क्या कहता है, कितने नंबर मध्य प्रदेश का? मैं तो 130 प्लस के लिए कह रहा हूँ। हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़ क्लिक, आई एम काशिफ काकवी। इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स न्यूज़ क्लिक हैज बीन ट्राइंग टू ब्रिंग यू ग्राउंड रिपोर्ट्स ऑन मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन ऑन अ रेंज ऑफ टॉपिक्स फ्रॉम अक्रॉस द रीजन। टुडे कंटिन्यूइंग आवर इलेक्शन कवरेज व्हेन द पोलिंग इज व्हेन द काउंटिंग इज जस्ट 2-3 डेज अगो, वी हैव विद अस मिस्टर दिग्विजय सिंह, सिटिंग राज्यसभा पार्लियामेंटेरियन एंड 2-term फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। आपने कई सारे चुनाव देखे हैं सर, ये चुनाव पिछले चुनावों के मुकाबले कितना अलग है और कांग्रेस ने क्या स्ट्रेटजी के तौर पे इसको देखा है? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ क्लिक और न्यूज़ लॉन्ड्री को बधाई देता हूँ जो उन्होंने एक नई शुरुआत की है, जो कि कॉरपोरेट्स पर निर्भर न रहते हुए उन्होंने जन आवाज़ बनने का बीड़ा उठाया है और उसमें कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। ये चुनाव में मुख्य बात ये थी, लोग बदलाव चाहते थे और ये चुनाव जनता चुनाव लड़ी है, आम लोग चुनाव लड़े हैं और कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव नहीं लड़े हैं, कांग्रेस का ज़मीनी कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है जो बूथ पर रहकर लड़ाई लड़ता है। इसलिए जो पहले शिकायत आती थी कि इसका इसने सेबोटाज कर दिया, उसने सेबोटाज कर दिया, उस सेबोटाज का कोई असर इस बार नहीं हुआ है और एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी लड़ी है चुनाव। इसलिए नतीजे मैं समझता हूँ कि जो सर्वे वगैरह दिखा रहे हैं उससे बेहतर नतीजे आएंगे, क्योंकि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अंडरकरंट था जिसको कि अधिकांश सर्वे में उसको रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। सर, लाडली बहना योजना की ढेर सारी बातें हो रही हैं कि भाई वो एक बड़ा रोल प्ले करेगा खास करके चुनाव में, उसी वही एक वजह थी जिसको बीजेपी लेके पूरे चुनाव में उन्होंने कैंपेन किया, तो लगता है आपको वो असर पड़ेगा चुनाव में? मुझे नहीं लगता कि लाडली बहना का इतना असर होगा, क्योंकि एक बात सब जानते हैं कि ये सरकार लगभग 19 साल किस बात का इंतज़ार करती रही लाडली बहना की योजना लाने के लिए। शुरू में ले आते केवल 4 महीने पहले और 4 महीने का ही की राशि उनके खातों में गई है और सभी महिलाओं को नहीं मिली है, उसमें भी जो फिल्टरेशन हुआ है उसमें कई लोग छूट गए हैं। दूसरा ये भी बात है कि एक हवा बनाने की कोशिश की थी कि महिलाओं का ज़्यादा वोटिंग हुआ है, महिलाओं का वो भी नहीं है, महिलाओं का वोटिंग भी वही रहा है जो कि 2018 में था, इस बार थोड़ा हालांकि कम ही रहा है, हर बार 7% इसलिए मैं समझता हूँ कि लाडली बहना का कोई ज़्यादा असर रहा नहीं है। केंद्रीय मंत्रियों को उतार करके जो मैसेज देने की पार्टी द्वारा कोशिश की गई कि हर क्षेत्र से एक मंत्री निकल के आ रहा है और इस तरह का माहौल जो बीजेपी ने 2017 में यूपी में बनाया था, जैसे हम दिमनी गए तो वहाँ पे सुनने को मिला कि भाई ठीक है नाराज़गी है लेकिन ये सीएम कैंडिडेट है, ठीक है। वैसे यहाँ अगर बुंदेलखंड में चले जाएँ तो प्रहलाद पटेल हो गए, गोपाल भार्गव हो गए, अगर इस तरफ आप आ जाएँ तो विंध की तरफ, तो हर तरफ एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से सीएम पद के लिए कई बार अपनी इच्छाएँ जाहिर कर चुके हैं, तो एक कोशिश की गई, तो क्या इन सब का असर हुआ या बीजेपी के लिए वो बैकफायर किया, कैसे देखते हैं? दो बातें हैं, पहली बात तो ये है कि इससे एक बात साफ होती है कि शिवराज सिंह चौहान अब किसी हालत में मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है। अब बाकी तो फिर इस पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता है कि बीजेपी को बहुमत मिलता है। इसलिए जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि बहुमत तो कांग्रेस को मिलने वाला है, इसलिए ये विषय अभी
सामयिक नहीं है। लेकिन मतलब ये बात मानी जा रही है कि शिवराज सिंह चौहान अब मध्य प्रदेश के पॉलिटिक्स के से साइडलाइन किए जा रहे हैं। अगर ऐसा होता, ऐसा होता तो इतने बड़े बड़े लोगों को यहाँ काहे को उतारा होता। 2008 में, 13 में, 18 में स्वयं उनका जो हाईकमांड उनको प्रोजेक्ट करता था शिवराज सिंह जी को, इस बार नहीं किया। सर आपने 66 सीटों का दौरा किया, वो ये वो सीटें थी जो कांग्रेस 3 या उससे ज़्यादा बार से हार रही थी, पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी, आपने उनका दौरा किया और जैसा मैंने नोटिस किया कि आप जैसे जैसे दौरा कर रहे थे आपके अंदर एग्रेशन थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा था चीज़ों को लेकर के, तो आपने क्या महसूस किया वहाँ पे और क्या स्ट्रेटेजी रही है सर इन 66 सीटों को लेकर? एक बात मैं साफ कर दूँ कि ये वो सीटें हैं जहाँ निरंतर चुनाव हारते रहे, तो लोगों में थोड़ा सा निराशा थी, ऐसा मैंने महसूस किया। लेकिन ज़मीन पर जब मैं जाके देखा तो लोगों में उत्साह भी उतना ही था कि साहब इस बार तो हम पलटेंगे, एक चैलेंज के रूप में उन्होंने लिया, इसलिए मुझे लगता है अच्छे नतीजे रहेंगे इन 66 सीटों। क्या वजह निकल के आई कि वो हार रहे थे, कुछ ऐसा निकल के संगठन हो उसके कारण, आपसी लड़ाई, कांग्रेस के लोगों की आपसी लड़ाई और निरंतर कांग्रेस का जो एक जनसंपर्क होना चाहिए उसमें कमी। सर हमेशा से फैक्शनलिज्म और रिबल्स कांग्रेस की कमजोरी रहे हैं, हमने पिछले चुनाव में भी देखा, इस बार कोशिश की है पार्टी ने कि सबको एक एक प्लेटफॉर्म पे ला के एक सिंगल फेस दिखाया जाए, तो इसमें कहां तक कामयाब होते आप दिख रहे हैं सर? बात यह है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से विचारधारा की लड़ाई लड़ती आई है, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के आधार पर लड़ाई लड़ती आई है और हमेशा से एक रोजगार और लोगों को हर तरह से उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन तीन पर ज़्यादा ध्यान हम लोगों ने हमेशा दिया है, तो उसी बात को लेकर हम आगे बढ़ाएंगे। पिछले 20 साल में और विशेषकर इन 3.5 साल में तो रोजगारी किसी को नहीं मिला और लोगों में उसका, बेरोजगारों में बड़ी नाराजगी थी। इनके ऑनलाइन जितनी भी एग्जामिनेशन हुए उसमें हर एग्जामिनेशन में शिकायत आई और व्यापम का जो एक बदनामी हुई है उसको नसीहत ना मानते हुए फिर भी उसी तरह की शिकायतें बाद में आती हैं, पटवारी की के चयन में काफ़ी बड़ा घपला हुआ है जी। तो मैं समझता हूँ कि मोटे तौर पर इधर कांग्रेस पार्टी का एक समन्वय, सामंजस्य का एक माहौल हमेशा से रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति, भारत जोड़ो यात्रा में उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले, बिल्कुल निश्चित तौर पर करेगा। कि अब जैसे देखिए तेलंगाना हम लोग कहीं नहीं थे लेकिन तेलंगाना हम लोग सरकार बना रहे हैं, उसका असर पड़ा है और सभी जगह इसका असर पड़ेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का जो एक कंसिस्टेंट एक लाइन रही है वीकर सेक्शंस के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, छोटे मध्यम व्यापारी के लिए, अब वो लोगों गले उतर चुकी है, इसलिए हम लोग उसमें इस चुनाव में सफल होंगे। सर फैक्शनलिज्म की हम लोग बात करें, सिंधिया जी का जाना पार्टी के लिए कितना फ़ायदेमंद हुआ कांग्रेस के लिए या नुकसान? सिंधिया जी का जहाँ तक सवाल है, ये इन्होंने बड़ी भूल की है, वो तो एक नेचुरल लीडर के रूप में उभर कर सामने आ रहे थे और मैं और कमलनाथ जी दोनों हम 70-75 के ऊपर के हैं, तो वो एक नेचुरल लीडर के रूप में उभर कर सामने आ रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी में उनके जो हालात हैं वो आप सब लोग जान ही रहे हैं किस हालात में गुजर रहे हैं। वो जहाँ तक मैंने नोटिस किया सर, वो राघोगढ़ में आपको भी घेरने की कोशिश कर रहे हैं और जैसा उनके साथ हुआ कि उनके एक साथी ने छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन की और वहाँ से वो लड़े और वो उनको उन्होंने हरा दिया, वैसे ही ये वो रिवेंज लेने की कोशिश राघोगढ़ में कर रहे हैं। गृह मंत्री को भी वहाँ बुलाया गया, मुख्यमंत्री भी वहाँ गए, खुद भी उन्होंने दो रैलियाँ की जो 2007 में उन्होंने आखिरी रैलियाँ की थी। तो आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों से क्या मैसेज देना चाहते हैं? उस पर कोई दिक्कत नहीं है, ये तो उनका अधिकार है और वो जहाँ भी जहाँ प्रचार करें, घेरने की कोशिश करें, पॉलिटिक्स में घेरना भी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होती है, तो मुझे उसमें कोई आपत्ति थोड़ी ना।
इस बार सर ये देखने को भी मिला कि कांग्रेस ने घेराबंदी अच्छी की है, चाहे वो जितने बड़े भी बड़े भाजपा के नेता हो, सबको उनकी सीट पर पे ही समेट दिया, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, भूपेंद्र सिंह हो, जितने लोग भी हो, शिवराज सिंह चौहान ही एक दिखे जो अपनी सीट के अलावा बाकी जगह घूमते दिखे। क्या किलेबंदी का क्या स्ट्रेटजी थी सर? हमारी स्ट्रेटजी तो साफ रही है, हमारी स्ट्रेटजी तो ये रही है कि सबसे बेहतर कैंडिडेट उम्मीदवार हम लोग तय करें, इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन बीजेपी से लड़ता है। उसमें कितने सफल हुए नहीं हुए मैं नहीं कह सकता, कि हाँ कुछ शिकायतें मिली, 20-25 सीटों पर हमें शिकायतें मिली, बट बाय एंड लार्ज टिकट ठीक ही बटे। अब जहाँ तक कमलनाथ जी का सवाल है, कमलनाथ जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कि छिंदवाड़ा में एक नया विकास का मॉडल तैयार किया है जो कि एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड है। उस बात को लेकर हम लोग अब कांग्रेस मैदान में उतरी है और मुझे उम्मीद है कि सफल अगर हम होते हैं, हमें सरकार बनाने का अवसर मिलता है। I wish you all the best. जी धन्यवाद। तो उसमें हमें सहयोग भी मिलेगा और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में अवसर भी मिलेगा कि वे मध्य प्रदेश में उस प्रकार का डायनेमिक छिंदवाड़ा मॉडल यहाँ लागू करें। आप शिवराज सिंह चौहान जी को कैसे मुख्यमंत्री के तौर पर याद करेंगे? उनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, आपने भी उनसे पहले 10 साल सर्व किया है, तो आप उनको कैसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं, उनके कार्यकाल को? शिवराज सिंह चौहान कोई प्रशासनिक दक्षता वाले व्यक्ति तो नहीं रहे हैं, वो एक सफल कैंपेनर जरूर हैं और जैसा कि हमारे पार्टी में चर्चा होती है कि वो जब शिवराज सिंह जी चौहान शुरू से ही वो कैंपेन मोड में ही रहे और उनको उनके विश्वास पात्र अधिकारी कर्मचारी रोज़ सुबह शेड्यूल पकड़ा देते थे कि आपको ये सब जगह जाना है और ये आपको ये भाषण देना है, उसी पे लाइन पे चलते रहे। ये इनकी सफलता के पीछे हमारे कांग्रेस पार्टी की असफलता भी बहुत कुछ जिम्मेदार है। तो आप ये मानते हैं कि पार्टी ढंग से काउंटर नहीं कर पाई उनको? नहीं कर पाई, लेकिन 2018 में कमलनाथ जी को चार पाँच महीने का अवसर मिला, लेकिन देखिए उन्होंने तख्ता पलट दिया था। उसके बाद से ही वो मोमेंटम देखने को मिला कि कांग्रेस ने घोषणा वीर का एक नया ये लेके आया कि 22,000 घोषणाएँ की हैं, पूरी नहीं की। ये बात तो है, सही है, 22,000 योजनाएँ उन्होंने मेरे घोषणाएँ की थी। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि जो 18-20 साल का इनका कार्यकाल है, एक अच्छे कैंपेनर के तौर पे देखा जाएगा चुनाव के? केवल कैंपेनर के रूप में, कोई सब्सटेंशियल प्रोग्रेस ऑन द ग्राउंड नहीं कर दे पाए। सर माइनॉरिटी वोट्स पे इस बार काफ़ी कांग्रेस ने ध्यान दिया है, अगर हम जैन और सिंधी कम्युनिटी की बात करें जो भाजपा के ना सिर्फ वोटर हैं बल्कि फाइनेंसर भी कहे जाते हैं, तो इस बार करीब कांग्रेस ने 10 कैंडिडेट्स को, जैन कैंडिडेट्स को टिकट दिए हैं, 3 सिंधियों को दिए हैं, बीजेपी से ज़्यादा, बीजेपी ने टोटल मिला करके 9 दिए हैं, आपने 13 दिए। तो ये स्ट्रेटजी थी या इट वॉज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि जो जीत रहा उसी को? देखिए हमने तय तो किया था एज ए विनिंग कैंडिडेट, फिर बाकी ये अंदाज़ा लगाना ही बड़ा मुश्किल है कौन विनिंग है, कोई थर्मामीटर तो है नहीं, इसलिए जो 2-3 संभावनाएं रहती हैं उनमें फिर देखता जाता है कि डिस्ट्रिक्ट का कास्ट कॉम्बिनेशन कितना है, कोई अच्छी महिला कैंडिडेट हमके पास मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो ये एक असेसमेंट किया जाता है लीडरशिप द्वारा कि कौन सबसे बेहतर कैंडिडेट हो सकता है, उसके ऊपर निर्णय होता है। सर माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन की बात, उससे मुसलमानों की अगर बात करें तो लगभग 8-9% का उनका वोटिंग परसेंटेज है और उनकी लगातार ये शिकायत रहती है कि हमें बहुत ध्यान नहीं दिया जाता, भाजपा भी नहीं देती, कांग्रेस भी आजकल दरकिनार करने लगी। तो हालांकि 2 टिकट्स दिए गए हैं पिछली बार की तरह ही, बुरहानपुर से भी सीटें मांगी जा रही थी, तो आप इसको कैसे देखते हैं और खास के जहाँ पर AIMM की एंट्री हो रही है वहाँ पर आप कैसे देखते हैं कांग्रेस के रोल को मुस्लिम वोटर्स को लेकर? मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता, MIM और भाजपा ये दोनों वो दल हैं जो कि धर्म की राजनीति करते हैं, जो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, जो कि गैर संवैधानिक है और
कानून जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसके खिलाफ है। तो इसलिए मोटे तौर पर माननीय चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। जो पॉलिटिकल ग्रुप यदि धर्म के नाम पर वोट मांग रहा है या MIM का कोई भारतीय मुस्लिम होने के नाते वोट मांग रहा है, तो ये दोनों जो हैं ये प्रोसिक्यूशन इनका होना चाहिए, क्योंकि ये जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है और जो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें मनाही है कि आप कभी भी इसमें धर्म का उपयोग ना करें। सर, AIMIM जो मध्य प्रदेश में पंचायत और अर्बन बॉडी पोल्स में इतना एक्टिव दिख रहा था, वो यहाँ आकर के थोड़ा सा न्यूट्रलाइज दिख रहा है। वो वैसे खुद कैंपेन पे यहाँ पे नहीं आए, जो कि बहुत अग्रेसिव थे, उससे पहले से वो कमेंट कर रहे, तो क्या कोई जादू चला, उन्हें कैसे रोका कांग्रेस ने, या वो उनका खुद ही था कि वो रुक गए, क्या कोई स्ट्रेटेजी थी इसके पीछे उनको रोकने की, भाई वोटर्स को एक ही तरफ रखा जाए? ऐसा नहीं है। देखिए, वोटर्स को का माइंड तो जब वोट डाले जाता तब तक कहाँ जाता, कोई भरोसा नहीं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने सदैव एक कंसिस्टेंट कैंपेन चलाया बदलाव का, और मैं समझता हूँ कि उसका हमें लाभ मिला। सर, इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में एक यूनिक बात ये देखने को मिली कि कोई कम्युनल एजेंडे पे नहीं हुआ, इस बार लोकल मुद्दों पे हुआ, हाइपर लोकल मुद्दों पे हुआ, इशू बेस्ड हुआ। तो इसमें सत्ताधारी पार्टी जो है वो हमेशा जो अपना ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूले पे वो खेलते थे, इस बार वो खेलते हुए नहीं दिखे, चाहे वो साध्वी प्रज्ञा हों, चाहे वो भारती हों, चाहे वो जितने भी इस तरह के नेता जो बयानबाजी करते हैं उनको साइड रखा। तो आपको क्या स्ट्रेटेजी लगती, क्या वो क्यों इस पे नहीं आया, और उनको फिर आखिर इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द लड़ना पड़ा, क्या वो बैकफायर कर सकता था, आपकी क्या रीडिंग है? देखिए, सुनने में तो ये भी आया कि आपने भी पार्टी के लोगों को हिदायत दी थी, अपने पार्टी के लोगों की, भाई कोई फालतू बयानबाजी ना हो ताकि माहौल ख़राब हो। बात यह है कि हमेशा संयम संयमित भाषा का उपयोग करना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं करना चाहिए जिससे कि बेमतलब की कंट्रोवर्सी खड़ी हो। भारतीय जनता पार्टी सदैव से ध्यान भटकाने का प्रयास करती रही। उन्होंने कभी जयवीरू की बात करी, कभी किसी के धर्म की बात की, कभी किसी के बात की। जो बेसिक इशू थे, भाई आपने महंगाई रोकने में क्या कदम उठाया, आपने रोजगार देने में क्या कदम उठाया, आपने SC ST के कम्युनिटीज़ को आपके ज़मीन देने का कितना फ़ायदा उठाया, आपने जो मुख्यमंत्री भूमि योजना चालू की थी उसके अंदर आपने क्या किया, क्या दिया, शिक्षा में क्या किया, स्वास्थ्य में क्या किया, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं थी। उनका एक ही कैंपेन था लाडली बहना, जो कि 4 महीने पर 155 रैलियां, हाँ, और वो सारी जगह उनका भाषण एक ही रहता है। अगर आप देखेंगे 2003 से लेकर 4 से लेकर और अब तक, शिवराज सिंह चौहान का 70% भाषण तो एक जैसा रहता है जी। 30% में कहीं बिंदु चेंज हो जाते हैं। कहते हैं कि बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती उनको, हाँ, उनका भाषण आपको सुना सुना है, भाषण है, रटा रटा है भाषण है। और ये RSS की ट्रेनिंग भी है कि वहाँ वो जैसे बता दिया जाता है कि ये तुमको ये स्क्रिप्ट है, इससे इधर उधर नहीं जाना है, तो उसी स्क्रिप्ट पर वो रहते हैं। सर, चुनाव आयोग को लेकर आप हमेशा सवाल उठाते रहे, EVM को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, उनकी निष्पक्षता को लेकर के, तो क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव या बाकी जो चुनाव हो रहे हैं उस पर चुनाव आयोग निष्पक्षता पर खरा उतर रहा है? कांग्रेस का ये भी आरोप है कि 3,500 करीब वो उन्होंने 350 माफ कीजिएगा शिकायतें की हैं और उस पर कार्रवाई नहीं हुई। पूरे प्रदेश से अनेक थानेदार, तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, SP कलेक्टर और अनेक अधिकारियों के शिकायतें आई जो खुलकर भाजपा के लिए पक्षपात करते थे। एक पर भी कार्रवाई माननीय चुनाव आयोग ने नहीं की, जबकि सप्रमाण एक रेंजर शिवपुरी के, वो तो वीडियो उनका क्लिप हमने दिया कि साहब भाजपा की सरकार आ रही है और कांग्रेस तो तबाह हो गई है, बंद हो, ख़त्म करो, क्यों कांग्रेस में जाते हो, एक रेंजर साहब ये बयान दे रहे हैं। और हम उनको उनके बयानों को प्रस्तुत
करने के बावजूद भी माननीय चुनाव आयोग ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, उनको वहीं का वहीं रखा। सर, ब्यूरोक्रेसी को सेफराइजेशन की बात हमेशा आती रहती है, उसको अगर सरकार में आप आते हैं जिसकी संभावनाएं लग रही हैं, तो कैसे उसके लिए कोई स्ट्रेटजी है, कोई प्लान है? आप हमेशा कहते रहे हैं कि भाई हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो गलत काम कर रहे हैं सरकार के, तो कोई रोड मैप है इसको लेकर? देखिए, ब्यूरोक्रेसी को कैसे हैंडल करना है, कमलनाथ जी बड़े अनुभव व्यक्ति हैं, वो उनको हैंडल कर लेंगे। सीधी सी एक बात है कि जैसा कहा जाता है, ब्यूरोक्रेसी जो है घोड़े के माफिक है, वो सवार देखती है। सवार अगर अच्छा है तो वो घोड़ा ठीक चलता है, अगर सवार नौसिखिया है तो उसी तरह से होता है जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान के साथ हुआ। ब्यूरोक्रेसी सरकार चलाती रही, ये तो केवल कैंपेन करते रहे। सर, अगर नई सरकार आती है तो दिग्विजय सिंह की क्या भूमिका होगी मध्य प्रदेश में जो पूर्व में रही है? मैंने कभी भी इंटरफेयर नहीं किया है गवर्नमेंट फंक्शनिंग में, मुझ पर कई आरोप लगे हैं, हालांकि बिल्कुल 15 महीने के कार्यकाल में आरोप लगते रहे निराधार, क्योंकि जो मेरे पास कागज़ आते थे मैं फॉरवर्ड कर देता था, निर्णय आपको लेना है। इसलिए कार्यकर्ताओं की लड़ाई तो मैंने लड़ी है और आगे भी लड़ूंगा। सर, काउंटिंग 3 तारीख को है, क्या चल मतलब उस दिन की क्या रणनीति है? रणनीति सीधी सी है, हम लोग बैठेंगे PCC में और इस बात पर ध्यान रखेंगे कि काउंटिंग में गड़बड़ी ना हो और रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो ईमानदारी से काम करें। मैं तो कहना चाहता हूँ कि उनको भी विशेष तौर पर, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान पिछले 5 दिन लगातार और उनकी पूरी जो टीम है, उनकी जो शिवराज गैंग है, शिवराज और इकबाल सिंह बैंस की जो गैंग है कलेक्टर SP में, वो पूरे तरीके से उनको निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से उनको हारे को जिताने का उनके कुछ बताए गए हैं गुर। लेकिन इतना मैं कह देना चाहता हूँ कि हमारी नज़र इन सब पर है और इसलिए इस पर जो कुछ ऐसा अगर हुआ तो फिर उसे अधिकारी कर्मचारी को भुगतना पड़ेगा। ऑपरेशन लोटस को लेकर के क्या कहना है? मतलब भूपेन सिंह को यहाँ भेजा गया, भूपेन यादव को यहाँ पार्टी ने इसलिए भेजा और ये मैसेज स्प्रेड किया गया कि वो अच्छे मैनेजर हैं और लोगों को कन्विंस कर लेते हैं। ये भी चैलेंज कहा गया जा रहा है कि लगभग 1.5 दर्जन जो संभावित प्रत्याशी हैं वो संपर्क में। हाँ, पहले रेट 25-30 करोड़ का था, अब तो 50-100 करोड़ की लोग बात कर रहे हैं। लेकिन ये ED क्या करता है, IT क्या कर रहा है, CBI, ये काला धन कहाँ से आ रहा है? अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, ये काला धन कहाँ से आ रहे हैं? आप तो काला धन वापस लाने वाले थे। नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे का भी वो भी वीडियो हुआ अभी, देखिए कल ही हमने EOW के पास एक कागज भेजा है, एक पत्र भेजा है जहाँ खुलेआम एक कंपनी को फेवर किया गया है, करीब 50-100 करोड़ का उसमें भ्रष्टाचार है। तो हम लोग तो इनको छोड़ेंगे नहीं, एक एक का भ्रष्टाचार का प्रकरण लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे। जनता में खास के करप्शन को लेकर बहुत आक्रोश है, तो क्या नई सरकार जो होगी वो करप्शन को लेकर के कितनी सीरियस होगी? बिल्कुल सेंसिटिव रहेंगे, सीरियस होंगे, और क्योंकि 15 महीने के कार्यकाल में बहुत एक्टिवनेस तो नहीं दिखी, तो इस नहीं बिल्कुल दिखी। हम लोगों ने कार्रवाई भी की और जिन्होंने ज़मीनों पे अवैधानिक कब्जे कर लिए थे उनको हटाया और इसमें जो एडल्ट्रेशन होता था फूड में उसको रोका, तो इस तरह से काम के खिलाफ जी। DCM को लेकर के मध्य प्रदेश में क्या प्लान है? अभी जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहाँ पे DCM का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी था लेकिन वो जब से BJP आई उन्होंने DCM कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, तो इस बार क्या मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा? ये तो चीफ मिनिस्टर पे और हमारी जो हाई कमांड उस पर डिपेंड करता है, यानी कि प्रपोजल में है, मुझे नहीं मालूम। सर, कमलनाथ जी ये बात कहते चले आ रहे हैं जिसको मैंने एक बार आपको बताया था कि पहले साल विनाश, 4 साल फिर 4 साल विकास, तो इसको आप कैसे पहले साल विनाश फिर 4 साल विकास ऐसा है कि पूरे 5 साल ही विकास होना चाहिए। विनाश की जो बात होती है कि सख्त कार्रवाई उन लोगों पर जी जिन्होंने विनाश किया है, तो विनाश करने वाले लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। दरअसल वो उसी कॉन्टेक्स्ट में विनाश था। तो इसलिए उसको विनाश मत कहिए, विनाश का मतलब तो ये है कि जनहित में विनाश थोड़ी जनहित में कहीं विनाश नहीं हो सकता जी। हाँ, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए जिन लोगों ने विनाश किया है।
सर, हेल्थ और एजुकेशन के मामले में मध्य प्रदेश बहुत पिछड़ा दिखता है पिछले 18 साल के कार्यकाल में। इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं था। असल में आप देखेंगे कि मेरे कार्यकाल के 10 साल के पैरामीटर्स में हेल्थ और एजुकेशन में काफ़ी सुधार हुआ था जी, क्योंकि मेरा कॉन्सेंट्रेशन था। तब उस समय हमारे पास फंड भी बहुत कम आते थे। यूनाइटेड केंद्र सरकार, केंद्र सरकार केवल 28% सेंट्रल टैक्सेस हमको देता था। आज करीब 42% से ज़्यादा मिल रहा है, तो 14% सेंट्रल टैक्सेस का शेयर बहुत काफ़ी ज़्यादा होता है। पैसे की कमी मध्य प्रदेश सरकार में नहीं रही, लेकिन इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया। आज भी हालात ऐसे हैं जहाँ स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, नर्सों की कमी है, कंपाउंडर्स की कमी है, बिना अस्पताल के, बिना डॉक्टर के अस्पताल चल रहे हैं, बिना शिक्षक के स्कूल चल रहे हैं। इन्होंने शासकीय स्कूल कम से कम 20,000 शासकीय स्कूल बंद कर दिए, जबकि एक्सेस होना ज़रूरी है। कैसे आप यहाँ की निरक्षरता ख़त्म करेंगे? आप ग्रामीण क्षेत्र में उम्मीद करें कि लोग बाग 10-10, 12-12 किलोमीटर बच्चे जाएंगे, संभव नहीं है। ये सीएम राइस स्कूल का कहा है, कॉन्सेप्ट लाया है, लेकिन बात यह है कि ये कोई नई बात नहीं है। हमने स्कूल्स ऑफ एक्सेलेंस चालू किए थे, कॉन्सेंट्रेशन जो सबसे अच्छे पढ़ने लिखने वाले लड़के हों उनका सिलेक्शन करना और अच्छे शिक्षक वहाँ रखना और अच्छे फैसिलिटी देना। तो उसमें जो होनहार बालक है उसको अच्छे तरीके से आगे बढ़ने का अवसर मिले। सर, जैसा कि अभी आपने कहा व्यवस्थाओं को लेकर के, कि जिस तरह की व्यवस्थाएँ मध्य प्रदेश में चरमराई हुई हैं, नई सरकार के लिए बहुत चैलेंजेस हैं, कई सारी घोषणाएं भी पार्टी ने की हैं, और ऐसे में बजट काफ़ी बिगड़ा हुआ है। लगभग 4 लाख करोड़ का होगा, जब आपने छोड़ा था लगभग 35,000 करोड़ का खर्च, और ये 23,000 करोड़ तो करीब ये 4 लाख करोड़ का ये जो कर्जा मध्य प्रदेश पे है, इसको कैसे निपटेंगे सर? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। वैसे देखिए कि रेवेन्यू भी बड़ा है और प्रोग्रेस भी हुआ है। इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स आती हैं, काफ़ी फंड्स आ रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल स्कीम का दुरुपयोग इन्होंने किया है टोटली। अच्छा, दूसरा फिजूल खर्ची बहुत हुए हैं, तो हमें इस बात की पूरी कोशिश करना चाहिए कि फिजूल खर्ची रोकें और इनके प्रोजेक्ट्स में करप्शन के लिए पैडिंग काफ़ी, जो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट होता था वो 150 करोड़ कर दिया जाता था, 50% कमीशन की जो बात। हाँ, अभी जो हमने अभी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो उदाहरण दिया है जी, वहाँ 50 करोड़ की पैडिंग थी 200 करोड़ के प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो ये पैडिंग ख़त्म करके नीचे अपने आप धीरे कम किया जा सकता है और उसका यूटिलाइजेशन अच्छा हो जाएगा, तो उसमें अपने आप खर्चा कम होगा। मैं बस खत्म कर रहा हूँ सर, आखिरी के दो सवाल सर। चूँकि मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, तेलंगाना और भी जगहों पे पार्टी काफ़ी होपफुल है कि वो चुनाव जीत रहे हैं, आप कैसे देखते हैं राजस्थान और तेलंगाना को सर? मैं मध्य प्रदेश को तो जानता हूँ कि यहाँ तो सरकार हम बना रहे हैं। तेलंगाना अप्रत्याशित रूप से हमें सफलता मिलने की संभावना भी उभर कर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ हम लोग जीतेंगे और राजस्थान में भी जो अच्छे काम किए अशोक गहलोत जी की सरकार ने, उसका लाभ भी हमको मिल सकता है। दिग्विजय सिंह जी का एग्जिट पोल क्या कहता है, कितने नंबर मध्य प्रदेश का? जी सर, मैं तो 130 प्लस के लिए कह रहा हूँ। आप हालांकि ये नंबर आप शुरू से 130 से कम नहीं हो, क्योंकि मुझे लग रहा है ज़मीनी हकीकत जो मुझे देखने को मिली, लोगों में बहुत ज़्यादा एक नाराज़ी थी और बदलाव के लिए एक उनका एक मन बना हुआ था। चुनाव तो जैसा मैंने शुरू में ही कहा, जनता लड़ी है, कांग्रेस का निचला कार्यकर्ता लड़ा है। 2024 को लेकर के, इंडिया अलायंस को लेकर के कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? अभी अखिलेश यादव जी जैसे मध्य प्रदेश है, उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस चालू पार्टी है, तैयार रहो, आप लोग बच के रहो, तो ये चैलेंजेस हैं सर इन लोगों को एक साथ। ऐसा है कि ये अलायंस नेशनल लेवल का है, अगेंस्ट बीजेपी, अगेंस्ट द वर्किंग ऑफ मोदी शाह डो, ये दोनों जो जुड़वा हैं, इन दोनों के खिलाफ माहौल पूरे देश में है और इसी के खिलाफ सभी राजनीतिक दल एक हुए हैं, क्योंकि प्रजातंत्र को खतरा है, भारतीय संविधान को खतरा है और जो वैल्यूज़ हैं उनको खतरा है। किस तरह से निर्दोष लोगों को सालों तक की जमानत नहीं हो रही है, निर्दोष लोगों के खिलाफ झूठे केस बनाए गए हैं, बुलडोज़र संस्कृति आ गई है,
जाति और धर्म के आधार पर उन पर कार्रवाई हो रही है, इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। सर, बुलडोजर जस्टिस के बंद होगा मध्य प्रदेश में अगर सरकार आती है? देखिए, बात यह, मैं तो हमेशा से बुलडोजर के संस्कृति के खिलाफ रहा हूँ, क्योंकि इसका कोई प्रावधान हमारे नियम और कानून में नहीं है। तो ये इस तरह का बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए कि आप एक व्यक्ति का घर गिरा रहे हैं और बगल वाले का घर नहीं गिरा रहे हैं। उस घर में भी परिवार पूरा रह रहा है, एक व्यक्ति की नाराजगी की वजह से आप पूरे परिवार को बेघर कर रहे हैं, ये तो न्याय नहीं है। सर, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखते हैं सरकार को लेकर के। यही बात बीजेपी कैंप में तो ये चल रही है कि प्रधानमंत्री आए थे 2024 का कैंपेन करने, वो 30 के लिए नहीं आए थे। हाँ, ठीक, और उन्होंने अपनी सीटें ठीक कहा है, उन्हीं सीटों पर फोकस किया जहाँ उन्होंने ठीक कहा है। 23 को तो पहले हार चुके थे, इसलिए उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो स्वीकार कर चुके थे 23 में उनकी सरकार नहीं बन रही। 6 महीने पहले ही उन्होंने वो एरिया पे कैंपेन कर लिया जहाँ से उनको, वो ठीक है, और फेस भी उनको ही बनाया जा रहा है। या वो तो 2000 आपने ठीक कहा, भाजपा वाले भी ठीक कह रहे हैं कि चुनाव 2023 के लड़ने नहीं आए थे, 24 के लिए आए थे। 2023 का तो वो पहले ही हार चुके थे और हारी हुई मानसिकता से भी चुनाव लड़े हैं। तो यह था हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जिन्होंने देश और प्रदेश की हालात पर अपनी बात रखी। उन बातों के क्या मायने हैं, उनका क्या जवाब है, उनके क्या मीनिंग है, क्या इंटरप्रिटेशन है, इसके जिम्मेदारी मैं आपको पर छोड़ता हूँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ क्लिक्स। धन्यवाद।